वंदे वांछित कामार्थे चंद्रार्थ कृत शेखराम सिंह रूढ़ा चतुर्भुजा स्कंद माता यशस्विनिम। नमस्कार, मैं हूँ श्रेया। स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे YouTube चैनल एड्यूटॉक इंडिया में। नवरात्र का आज पांचवा दिन है। आज पूजा की जाती है माता स्कंद माता की। भगवान स्कंद कुमार यानी कि कार्तिकेय की माता होने के कारण दुर्गा जी के इस पांचवें स्वरूप को स्कंद माता का नाम दिया गया। भगवान स्कंद कुमार माता की गोद में बाल रूप में विराजित रहते हैं। इस देवी की चार भुजाएं हैं। ये दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा में स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं, नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है, बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा में हैं और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है और इन्हें विद्यावाहिनी दुर्गा भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। इनकी उपासना करने से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाता है। अतः मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रखकर इस देवी की आराधना करने वाले साधक या भक्त भव सागर को पार करते हैं। स्कंद माता को सफ़ेद रंग काफ़ी प्रिय है, इसलिए भक्त इस दिन सफ़ेद रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। इन्हें फलों में केला काफ़ी प्रिय है, इसलिए भक्त इन्हें केले का भोग लगाते हैं। तो देवी का नाम स्कंद माता उनके पुत्र स्कंद के नाम पर पड़ा। भगवान कार्तिकेय देवताओं के सेनापति थे। कुमार कार्तिकेय को ग्रंथों में सनत कुमार, स्कंद कुमार के नाम से पुकारा जाता है। माता इस रूप में पूर्णतः ममता लुटाती हुई नजर आती हैं, इसलिए आज के दिन माता और पुत्र दोनों की पूजा की जाती है। जो भक्त माता के इस स्वरूप की पूजा करते हैं, माँ उस पर अपने पुत्र के समान प्रेम लुटाती है। देवी स्कंद माता की पूजा से मोक्ष का मार्ग सुलभ हो जाता है। यह देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति है, यानी चेतना का निर्माण करने वाली। तो चलिए भक्ति भाव से देवी स्कंद माता की आराधना करते हैं। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ और चर्चा करेंगे हम माता के छठे स्वरूप के विषय में। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर भेजें। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। नमस्कार।